नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। 1947 में ना सिर्फ भारत आजाद हुआ बल्कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। यही मुख्य वजह थी कि देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे। अकेले पुरुष कितना लड़ पाते। भारत में जन्म लेने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं, वीर नहीं होते हैं, अपितु स्त्रियां भी साक्षात काली का रूप मानी जाती हैं। वर्ष 1947 दशहरे के जस्ट बाद एकादशी के दिन पलवर की पूर्व दिशा में स्थित गुलावत नामक गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। एक पूर्व नियोजित योजना के तहत मुस्लिम आक्रमणकारियों ने गुलावत गांव पर आक्रमण कर दिया। गांव वालों पर पत्थर, डंडों और बंदूकों से हमला हो गया। एकाएक गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जल्द ही परिस्थिति को भांप लिया। इस समय धौला गुजरी अपने घर में घर का काम कर रही थी। इस गांव में हिंदू संख्या ज्यादा थी, लेकिन हथियारों की कमी और इस तरह के दंगे का पूर्वानुमान नहीं था। कुछ ही समय में मारकाट और चीखना चिल्लाना हो रहा था। जब धौला गुजरी को यह अंदेशा हुआ तो वह भागकर बाहर आई। उसने देखा कि कई ग्रामीण घायल होकर पड़े हैं। धौला गुजरी ने पानी का घड़ा लिया और घायलों को पानी पिलाया। मुस्लिम दंगाई यह देखकर धौला गुजरी को भी समाप्त करना चाहते थे। अगर वास्तविक बात की जाए तो गांव वालों में अफरा तफरी मची हुई थी। वो भाग रहे थे। धौला गुजरी को लगा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो कुछ समय में सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब समय था जब खुद वीर धौला गुजरी युद्ध मैदान में कूद पड़ी। उसने परिस्थिति को भांप कर छत पर चढ़ गई। मुस्लिम बंदूकधारियों के मुखिया पर इतनी जोर से धौला गुजरी ने ईंट से प्रहार किया कि वह सरदार वहीं पर गिर पड़ा और भगवान को प्यारा हो गया। जैसे ही वह हमलावर 72 हूरों के पास पहुंचा, साथी दंगाई डर गए। हिंदुओं को ललकारा, पुकारा और नया जोश भरा, साथ ही खुद के साथ साथ मातृभूमि की रक्षा का संकल्प दिलाया। एक स्त्री के मुंह से निकली बातों ने हिंदुओं में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। अब बारी थी दंगाइयों को खदेड़ने और गांव से बाहर निकालने की। सभी लोगों से लाठी, डंडों और पत्थरों से जवाबी हमले शुरू कर दिए। खुद धौला गुजरी अपने हाथ में भाला लिए हुए लड़ रही थी। नए साहस को पाकर गांव वाले भूखे शेरों की तरह उन दंगाइयों पर टूट पड़े। फिर क्या था, माहौल एकदम उलट गया। अब दंगाई वहां से भागने का रास्ता तलाशने में लग गए। धौला गुजरी के अदम्य साहस की वजह से पूरा गांव बच गया, लेकिन एक गोली धौला गुजरी के कंधे पर लगी थी जिसका उपचार हो गया। धौला गुजरी ने खुद के साथ साथ पूरे गांव वालों को बचा लिया। इस साहस और वीरता का पुरस्कार भी धौला गुजरी को मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन भारतीय सरकार ने भी धौला गुजरी को सम्मानित किया था। स्वतंत्रता के पश्चात एक बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुलावत गांव की तरफ आना हुआ। उन्होंने भी धौला गुजरी की वीरता के बारे में सुना था। धौला गुजरी से मिलना भी चाहते थे और उनको सम्मानित भी करना चाहते थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गुलावत गांव पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए, लेकिन सरदार पटेल ने लोगों से कहा कि वह धौला गुजरी से मिलना चाहते हैं। फिर क्या था, रथ में बैठकर पूरे गांव में जुलूस निकाला और पुष्प वर्षा द्वारा उनका सम्मान किया गया। वास्तव में एक वीरांगना के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में कहा कि जिस क्षेत्र में धौला गुजरी जैसी वीर, साहसी और निडर महिला रहती है, वहां के लोगों को मुझसे सहायता मांगना कतई शोभा नहीं देता है। मैं अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित हूं। जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट करते हैं और पाकिस्तान जाने की मंशा है, वो जा सकते हैं। जिनको यहां रहना, वो शांति के साथ रहें। जो लोग दंगे या गुंडागर्दी का सहारा लेंगे, उनको सही सबक सिखाया जाएगा। कोई भी किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे। पंजाब सरकार भी धौला गुजरी को उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मान देना चाहती थी। यही वजह रही कि पंजाब सरकार ने पुरस्कार स्वरूप धौला गुजरी को 1,000 रुपये की राशि भेंट की। आज से लगभग 75 साल पहले वह बहुत बड़ी रकम थी। इतिहास के पन्नों में धौला गुजरी को हमेशा याद किया जाएगा। इतना ही नहीं, आने
वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।